अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आदिल अहमद, आप देख रहे हैं ग्लैमर बंदा। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं कबीर रेस्टोरेंट में और एजाज़ भाई ने आज हमें कबीर रेस्टोरेंट में दावत दी है बुफे सिस्टम में। बस क्या मेरे लिए डाल लो आप ये कौड़े आलू वाले समोसा, ज़्यादा नहीं, दो रोल मेरे लिए, दो। ये क्या चीज़ है, एक दाना, अगर पसंद है दोबारा आ जाएंगे, एक एक करके टेस्ट करना है हमने। असल में होना भी ऐसा चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, ये बस अफ्तारी के लिए। अफ्तारी कर ली है और कबीर रेस्टोरेंट में अभी डिनर का टाइम है, लोग सब निकले हुए प्लेट लेकर, और ये हमारी सीट है। अभी इस वक्त एक एक करके हम 10-15 मिनट के बाद हम डिनर के लिए जाएंगे। अभी डायरेक्ट ही हम जा नहीं सकते क्योंकि रश ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपने इनवाइट करने के लिए हमें, तो कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। तो वाजिद साहब है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? रेस्टोरेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह में बनाई हुई है। अभी बूफे बाकी है ना, बूफे बाकी है, बूफे बाकी है, देखते हैं, अपडेट करते हैं। काम कर दिए, काम कर दिए। आप जा रहे हो? ओके, प्लेट हमने नहीं उठाया है, हमने उधर जाना होगा। आ जाए एहसास में, उधर चलते हैं, उधर से प्लेट उठाते हैं और फिर डिनर उठाते हैं। और लोगों के रश आप देख सकते हैं माशाल्लाह, पूरी मेरे ख्याल में 75% पेशावर यहाँ पर आए हुए कबीर रेस्टोरेंट में माशाल्लाह। तो आप लाइन देख सकते हैं, बहुत लंबी लाइन है। एहसास भाई आधा चलते हैं, रश बहुत ज़्यादा है, फिर लाइन में खड़ा होना, जैसे कि वो स्कूल के टाइम जब ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे किसी खड़े होते हैं, वही वाला सीन है। कह रहे हैं क्लोजिंग टाइम 37 और मुकाबला बहुत सख्त है, लोग भी ज़्यादा है। और एजाज भाई और शायान हम भी अपने लिए प्लेट उठाते हैं। आठ बजे जी, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, घंटा एक घंटे मुकाबला बहुत साफ है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप सुकून से इजी से बैठ के खाएं, प्लेट उठा लेते हैं। ये आप ले लें, वो रिफिल भी हो रहा है, वो आगे ले लीजिए। अब थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। शायद मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, चिकन है आते हैं, चलो खा लो। बस करते, ख़त्म हो गए, चावल ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर जुलम जारी है चावल के साथ। दो या तीन ला यहाँ पर रख दो, गरम नान है माशाल्लाह, बनाओ गर्मा गर्मा। यहाँ पर डालो बस, सही हो गया, एक और डालो बस। रोटी और क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, साग चावल चिकन। तो ट्राई करते हैं पहला साग, जो कि मुझे बहुत पसंद है। चिकन उन्होंने लोगों को ज़्यादा बुलाया, मसला ही ज़्यादा लोगों को लिया है। तारीख कर लिए, अभी एजाज भाई से पूछते हैं कि उनका फर्स्ट टाइम है कबीर रेस्टोरेंट में, तो एजाज भाई बताएं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस कैसा लगा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और खाना भी हमें बहुत अच्छा लगा, और बाकी तो बस इंजॉय कर रहे हैं इधर आए हुए हैं। अच्छा, खाना भी बिल्कुल यहाँ खाने का, लेकिन चाय हमें नहीं मिली अभी तक, चाय के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बेहतरीन है, बेहतरीन जगह, लोकेशन भी अच्छी जगह में है और खाना की क्वान्टिटी भी सही है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये नए नए हैं, नए होने की वजह से तो ये मिस मैनेजमेंट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। खाना कैसा मिला? जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, खाना किस तरह था ये बताएं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों को से गुजारिश है कि आए यहाँ पे विजिट करें,
और कबीर रेस्टोरेंट जो कि हमारे भाई हैं, पख्तून भाई हैं, और इसको प्रमोट करें जितना हो सके, इसको प्रमोट करें। तो उसमें भी आपके तकरीबन 135K फॉलोअर्स हैं। तो आज आप कबीर रेस्टोरेंट में बूफे के लिए आप आए हैं, रमज़ान का पाँचवा दिन है, तो इसके बारे में कुछ शॉर्टली आप बता दें। जी बिल्कुल, आज रमज़ान के महीने में बूफे सिस्टम जो कबीर रेस्टोरेंट में है उसमें आज मैं आया हूँ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो इन्वायरमेंट है, जो इनकी फूड क्वालिटी है, जो स्टाफ मैनेजमेंट है, जो सर्विसेज हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इन सब चीज़ों को। और तो अभी इस वक्त कबीर सर मिलने के लिए जा रहे हैं, ये कबीर सर का ऑफिस है, खुश ऑफिस। और जिंदगी कैसी है? इसका व्लॉग हम कबीर रेस्टोरेंट को विज़िट करने के, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था और सब लोगों का फ़र्स्ट टाइम, एजाज़ भाई और मेरे वालिद साहब और रुज़ैफ़ा शाह का भी फ़र्स्ट टाइम, मेरा भी फ़र्स्ट टाइम, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। स्टाफ भी बहुत ज़बरदस्त स्टाफ, और इनका जो खाने का सिस्टम वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त था। और कबीर सर से मिल रहा हूँ मैं, तो कबीर सर भी माशाल्लाह ज़बरदस्त, उन्होंने अपने कीमती टाइम मुझे दिए, तो उनसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।